आज हम बहुत लकी है क्योंकि हमें माँ का दर्शन करने में सोनू भाई आज अगर 10 मिनट बाद आता तो एक दर्शन बंद नहीं मतलब आरती था आरती होने वाला था तो एक डेढ़ घंटा बैंड रहता है उसके बाद फिर से दर्शन कर सकते हैं। हमें बहुत लकी है कि हम और बहुत ही मतलब हल्का था लोग ज़्यादा नहीं थे इसलिए हमने अच्छे से दर्शन भी कर लिया और अच्छे से दिखा पाए क्योंकि लोग ज़्यादा होने से भीड़ भाड़ होने से इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छा लगा है मतावाड़ी आके और अगर ये वीडियो देख के या ये जो हम दिखा रहे आपको अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट ऐसा कोई ट्रिप शिलोंग या बाहर कहीं जाए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट हम कहाँ पर जाए। चलिए हम अभी दूसरे जगह जाएंगे और वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा लेकिन रोज़ आपको 5-5 या 6 मिनट का एक एक वीडियो आता रहेगा। हमने एक बिस्कुट का पैकेट लाया है उनके लिए खाना लाए हैं। जितने भी मछली आए और कछुआ है उनको अभी खाना डालेंगे। ये जो खाना है अभी डालते हैं और देखना डालने से कैसे करते हैं। डालता हूँ मैं डाल रहा हूँ देखो किस तरह से एक एक करके आ रहे हैं। अभी मैं डाल रहा हूँ सबके सब आएंगे देखना यहाँ पर सब आएंगे देखना सब मछली आएंगे तो देखो आप कैसे आते हैं। यहाँ पर मैंने बिस्कुट डाला है तो सभी के सभी आ रहे हैं। यहाँ पर देखो सभी आ रहे हैं अभी देख रहे हो सब आएंगे बिस्कुट खाने अभी देखना सब आ रहे हैं। कितने मछलियाँ हैं कितना बड़े बड़े मछलियाँ देखो ये देखो खा रहे मछली देखो 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 आ रहा है ऊपर आए लोग इनको क्या करते हैं ना आने से मतलब छूने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ये भाग जाते हैं। ये देखो यहाँ पर भी लोग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं इसीलिए वो भाग जाते हैं। देखो कितने सारे हैं मछली ये देखो लोग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं इसीलिए वो चले जाते हैं नहीं तो साइड में ही आ जाते सभी खाना खाने के लिए। अभी आए हैं यहाँ पर एक अंकल के दुकान में और इस शॉप से हम पेड़ा ले रहे हैं क्योंकि माताबाड़ी का पेड़ा बहुत ही फेमस है। अंकल यहाँ पर जो पेड़ा है बहुत ही फेमस है ना त्रिपुरा में मतलब त्रिपुरा नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो अगर पेड़ा की बात करो तो माताबाड़ी का पेड़ा मतलब सबसे फेमस है। मैंने पहले भी खाया है बहुत टेस्टी है भी ले रहे हैं घर में क्योंकि घर जाने से या फ्रेंड में जाने से घर में सभी बोलेंगे कि माताबाड़ी गए और पेड़ा नहीं लाए। अगर माताबाड़ी आए और पेड़ा नहीं खाए तो आपने क्या खाया। माताबाड़ी आने से पेड़ा खा के जाना और लेके भी जाना। देखिए माताबाड़ी का पेड़ा 100-100 रुपये का ले लिए। तो मैंने जहाँ से पेड़ा लिया था जो अंकल थे वो स्कैम कर रहे थे हमारे साथ। मैं वीडियो बना के चक्कर में रहा था और सोनू भाई ऐसे बैठा था हम नहीं देख रहे थे कितना ग्राम दे रहा है। तो उन्होंने पहले बताया था कि 100 ग्राम 50 रुपया है लेकिन हम जब वीडियो बना रहे थे सोनू भाई दूसरी तरफ देख रहे थे उन्होंने 150 ग्राम मतलब 75 रुपीज़ का पेड़ा देखे बोल रहे थे 100 रुपया हो गया। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ और हमने फिर से उसको वेट किया तो पता चला कि 30-40 ग्राम कम है। तो ध्यान से वेट करके लेना नहीं तो स्कैम हो रहा है। ई शॉप है देखो विश्वजीत पेड़ा भंडार इसमें से ही पेड़ा लिया था हमने। ये अंकल बैठे हैं देखो। माताबाड़ी में घूम के बहुत ही अच्छा लगे आपको कैसा लगा कि कमेंट करके ज़रूर बता दे। और सोनू भाई का पैर थोड़ा मतलब दर्द हो रहा है क्योंकि उनका पैर में कुछ फ्रैक्चर है तो इसलिए हम अभी निकल रहे हैं। मैं अभी बाइक चलाऊँगा तो सिनेमेटिक शॉट जितना हो सके सोनू भाई लेने की कोशिश करेंगे। सोनू भाई कैसा फील हो रहा है अभी। ठीक है हम निकलेंगे निर्मल के लिए तो वीडियो में बने रहना एक के बाद एक मतलब त्रिपुरा सीरीज़ का एक एक वीडियो बहुत ही धमाकेदार होना है। तो चलिए हम निर्मल चलते हैं उधर बहुत और ज़्यादा सुंदर प्लेस है। और माताबाड़ी आप अगर आए तो कमेंट में बताना त्रिपुरा से कौन कौन देख रहे हो कमेंट करके बताना और ये वीडियो को से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। हम आए हैं अभी निर्मल में माताबाड़ी से या निर्मल का डिस्टेंस जो है वो शायद 25 किलोमीटर में गूगल का जो लोकेशन दिखा रहा था हमें किसी और जगह लेके चला गया और उधर से 2-3 किलोमीटर इस तरफ है निर्मल जहाँ से मतलब बोटिंग स्टार्ट करके आपको निर्मल में लेके जाता है। तो हम यहाँ पर आए हैं हम खाने में चले गए थे और खाने खाते खाते मतलब लेट हो गया है और फेरी जो है वो निकल चुका है यहाँ से तो दूसरा फेरी अगर 20 लोग होगा तभी निकलेगा मतलब 20 लोग होंगे तभी निकलता है। और अगर आप आते हो यहाँ पर निर्मल में तो 5:30 बजे से पहले आ जाना क्योंकि 5:30 बजे के बाद यहाँ से फेरी नहीं मिलता है और 5:30 बजे से पहले भी अगर जब तक 20 लोग नहीं होता वो फेरी जाता नहीं है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो बड़े बड़े नाव है इसमें ज़्यादा लोग आता है लेकिन कम से कम 20 लोग चाहिए 50 रुपया करके तभी ये जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो निर्मल आपके जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये जो देख रहे हो निर्मल है
तो यहाँ पर जाने के लिए ये जो बोट है उससे जाना पड़ता है।